हमारे साथ हैं सीता गुप्ता जी नमस्ते सीता जी आपको भी नमस्कार आपका स्वागत इस कार्यक्रम में आपने कविता लिखी है वंदे मातरम जिसमें आपने कहा है माँ वो दिल है हर धड़कन के साथ अंतर के हर छोटे बड़े अंगों को सींचती है आंखों में आंसू छिपाकर हंसती है मुस्कुराती है संतान में विजेता बनने के सच्चे सपने बेचती है क्या बात है इस कविता में आपने सिर्फ भारत माता को नहीं तो दुनिया की हर एक माँ को वंदन किया है तो ये प्रेरणा आपको कहां से मिली दुनिया की हर एक माता मेरे लिए वंदनीय है क्या बात क्योंकि शिशु जब आंखें खोलता है सबसे पहले माँ उसके गोद माँ की गोद में समाता है जी, जी. जो प्यार उसको मिलता है माँ की गर्म गोद में सही सही है, सही है। जब तक उसने आंख भी नहीं खोली होती, लेकिन माँ का स्पर्श पहचानता है वो। जी, जी, जी। सबसे ज़्यादा सुरक्षित कहाँ है माँ की गोद में सही है जब शिशु बोलना सीखता है दर्शकों आप भी सहमत होंगे तो सबसे पहले उसके मुख से माँ निकलता है जी। उसके बाद माँ जो सिखाती है वही शब्द धीरे 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 वो बोलना शुरू करता है जी हम जब पढ़ने जाते थे तब भी सबसे पहले हमको ये सिखाया जाता था कि माँ प्रथम गुरु है जी तो शिक्षा भी माँ देगी प्यार भी माँ करेगी तो समझाएगी भी माँ सही है पर माँ हमें शिक्षक के प्रति आज्ञा देती थी या कहिए हमारे को निर्देश देती थी सलाह देती थी प्यार से कि शिक्षक की हर आज्ञा आपको माननी है एक दूसरे के प्रति ये भाव समर्पण भाव माँ का शिक्षक के प्रति और शिक्षक का माँ के प्रति हमारे अंदर दोनों के प्रति आदर भाव भर गया इसलिए तो आपने इस पहले ही छंद में माँ को दिल धड़कन कहा है दिल की धड़कन कहा है सुनाइए ना आप इसके बारे में माँ वे दिल है माँ वे दिल है जो हर धड़कन के साथ अंतर के हर छोटे बड़े अंगों को सींचती है आंखों में आंसू छिपाकर हंसती है मुस्कुराती है संतान में विजेता बनने के सच्चे सपने बीजती है यहाँ पर मैंने ना माँ को प्रतीकों की तरह लिया है जैसे कोई भी शरीर हो उसको दिल जब पूरे शरीर में रक्त पहुंचाता है तब वो जीवंत रहता है तो धमनियों में शेराओं में सारे में रक्त कौन पहुंचाता है और शरीर का दिल एक ऐसा अंग है जो दिन रात कार्य करता है जैसे ही दिल की धड़कन बंद हुई मनुष्य नहीं रहे तो दिल की धड़कन बंद होने से पहले ही हम समझ जाइए ना माँ ही वो दिल है क्या बात है इसलिए मैंने माँ को और दिल को आपस में एक दूसरे का प्रतीक माना है अच्छा, अच्छा। दिल पूरे शरीर को रक्त से सींचता है जी माँ भी पूरे जीवन को अपने प्यार के दुलार के दूध से सींचती जाती है प्रथम खुराक जो बच्चे को मिलती है माँ का दूध क्या बात है क्या बात है और आगे भी आपने बहुत ही खूब लिखा है इसीलिए मैंने लिखा अंतर के हर छोटे बड़े अंगों को सींचती है जब तक बच्चे को और कोई भोजन नहीं मिलता माँ के दूध से ही उसके अंतर के उसके शरीर के सभी अंग पलते हैं जी जी चाहे उसको आज के वैज्ञानिक भाषा में बोलूँ अगर तो उसको प्रोटीन भी चाहिए कार्बोज भी चाहिए उसको वसा भी चाहिए उसको ये विटामिन्स भी चाहिए उसको जल भी चाहिए जी. लेकिन प्रभु ने माँ और उसका दूध ऐसा बनाया है कि माँ के दूध में वो सभी पदार्थ हैं, जबकि बड़ा होने के बाद संतुलन बिठाने के लिए देखना पड़ता है दाल खिलानी है सब्जी खिलानी है रोटी खिलानी है इस चीज के लिए इस चीज के लिए इस चीज के लिए और माँ का दूध अमृत है जैसे उसके लिए तो माँ के दूध के अंदर सब है जी। उसी को मैंने कहा कि माँ दिल है जैसे रक्त है शरीर के प्रत्येक कोशिका को प्रत्येक धमनी को प्रत्येक शिरा को मिले तो आदमी जीवंत रहेगा शक्तिशाली रहेगा सही बात है सही बात है चाहे वो कोई भी जीव हो जी, जी। हरेक के अंदर दिल है जी। और हरेक को रक्त की जरूरत है जी। और हरेक के अंदर दिल वही काम करता है जी, जी। तो प्रत्येक जीव की माँ मानव की हो जीव की हो जंतु की हो सबकी माँ अपने बच्चे को उस दिल की प्रकार ही है आगे मैंने कहा आंखों में आंसू छिपाकर हंसती है मुस्कुराती है अब आंसू कई कारण से आ सकते हैं मान लीजिए जीवन कठिन है माँ के पास खिलाने को कुछ नहीं है लेकिन बच्चे को दूध तो देती है भले जी। वो स्वयं भूखी हो और आंख में आंसू और गला सूख रहा हो अभी थोड़ी देर पहले एक चित्रशाला में गई थी वहां मैंने एक चित्र देखा था माँ के सर पर ईंटों की टोकरी थी पीछे पीठ पर बच्चा बंधा था अच्छा जो आ, हो सकता है छे सात महीने का हो अच्छा, अच्छा। देखिए माँ सिर पर भी बोझ है पीछे भी बोझ है और ये बोझ उसको कितने आठों घंटे तक करना है तब कहीं जाके पगार मिलेगी तब कहीं जाकर वो कुछ खाएगी तब जाकर बच्चे के लिए भोजन बनेगा लेकिन माँ बीच में स्तनपान तो करा ही देगी जी। तो आंखों में उसके आंसू हैं क्योंकि पूरे दिन उसको कार्य मिला लेकिन समय नहीं मिला उससे मैंने बातचीत की थी ठेकेदार दो मिनट भी बैठने नहीं देता था अच्छा तो आप समझिए ये माँ कर सकती है ना जी सही बात है सही बात है बहुत ही शक्तिशाली है माँ हर कोई माँ बहुत एक शक्तिशाली है और भगवान की एक सुंदर रचना है माँ और आपने इसमें जैसे लिखा है संतान में विजेता बनने के सच्चे सपने बिछती है वो कितना खूब आपने लिखा है बीज दिए जैसे किसान खेती में बीज डालता है फिर उसको खाद डालता है पानी डालता है छोटा सा पौधा निकल आता है तो सहारा देने के लिए सरकंडा लगा देता है या कोई लकड़ी की छोटी सी टुकड़ी लगा देता है जिससे वो हवा के झोंकों से गिर ना जाए जी जी लेकिन हर एक बच्चे के विजय की प्रेरणा उसकी माँ होती है पहले वो हौसला जिंदगी में उसे माँ देती है इसके बारे में आपका क्या ख्याल है इतिहास हमारा भरा पड़ा है ना ऐसे जी, जी, और जीवन में भी तो हम देखते हैं जी हाँ सही है वही जीवन में भी तो हम देखते हैं। जब मैं गुरुग्राम में रही थी दो वर्ष सेवा के लिए अच्छा? तो वहाँ जिस जगह में मैं रहती थी, वहां एक माँ अकेली रहती थी, थी एक अकेली मेरे साथ, क्योंकि उसके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं था अच्छा उसने हमको बताया कि भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था वहां पर वो लोग बहुत रईस थे अच्छा खेती अच्छा? थी जमीन थे अच्छा अच्छा वहाँ से उनको सब कुछ छोड़ कर आना पड़ा क्योंकि भारत के नेता तो गांधी जी थे उन्होंने तो बाद में भी पैसे भिजवा दिए लेकिन वहाँ के नेता तो हमने देखा है कि लाशें भर के ट्रेन में आई थी और जो बेचारे आए भी तो उनको कुछ नहीं लाने दिया गया था तो उस माँ ने वो जीवंत कथा मुझे सुनाई थी दर्शकों मैं उस समय छोटी सी थी मैंने वो सब देखा नहीं देखा तो होगा पर मुझे याद नहीं है उस माँ ने मुझे वो जीवंत कथा सुनाई थी कि हम कैसे भाग कर आए कैसे बिछड़े अपने संबंधियों से किस तरह ट्रेन में के अंदर हमको बोरों की तरह ठूँस के भरा गया लेकिन उस समय बस एक काम था कि किसी भी तरह अपने देश में पहुंचना है अच्छा वहाँ के सोने के बिजनेस करने वाला उसका पति जो रास्ते में कहीं बिछड़ गया अच्छा। उसको बाद में यह भी नहीं मालूम मरा है कि जिंदा है हुँ, हुँ. और यहाँ आकर उसने मेरे को बताया कि मैंने शुरू में लोगों के घर में बर्तन मांजे जी जी जिस सेठानी ने कभी उठकर बर्तन मांजना तो छोड़ उठकर पानी भी नहीं पिया था क्योंकि दोनों बच्चे उसके साथ थे अच्छा। पति बिछड़ गया था बच्चे साथ थे जिसमें से एक मात्र चार वर्ष का था और एक शायद कहती थी मेरी गोदी में ही था किसी तरह मैं उसको पल्लू के अंदर छिपा कर लाई थी अच्छा अच्छा उसके लिए उसने चक्की पीसी लोगों के घरों में बर्तन मांझे उनके फटे पुराने कपड़े जो सेठानी रोज खुद दान करती थी जी उसने उतरन पहने उनकी बहुत ही दिल काटने वाला ये प्रसंग है उसने उतरन पहनी उनकी जो कहती थी मैं जिनको कभी कुछ समझती भी नहीं थी जैसे उससे अच्छे कपड़े तो मेरे घर में नौकर पहनते थे। इसके लिए उन दो बच्चों को पालने के लिए तो ये जीवंत कथा मेरे मन के अंदर छा गई ये माँ की माँ ही है कि एक इतना त्याग कर सकती है कि जिसके घर में सोनी चांदी का बिजनेस होता था ये त्याग की जो प्रवृत्ति है वो मुझे ऐसे लगता है निसर्ग ने या प्रकृति ने या फिर हम कह सकते हैं भगवान ने एक वरदान के तौर पे माँ को दी है और आपने इस महा महानता माँ की इस कविता में दर्शाई है आपने आगे कहा है वो संतान में विजेता बनने के सपने बीजती है जी जी उनके उस छोटे छोटे बच्चों ने जब अपनी माँ को दिन रात इतनी मेहनत करते देखा है तो उन्होंने कितनी बातें सीख ली कि बिना कष्ट किए बिना साधना किए कुछ मिलता नहीं है और मेहनत से दो रोटी कमाना मतलब ईमानदार बन जाना जी आज वो दोनों बच्चे उज पदों पर हैं, कभी कभी मिलते रहते हैं माँ का तो स्वर्गवास हो गया अब क्योंकि वो तब भी मेरे से आयु में बड़ी थी लेकिन बच्चे मिलते रहते हैं क्योंकि हम दोनों दो साल तक साथ में रहे हैं तो बच्चे हम आपस में मिलजुल गए थे अच्छा अच्छा तो बच्चे कभी कभी मिलने आते हैं मैं पूछती हूँ आपके पास तो ना धन था ना इतनी शिक्षा थी ना उतने साधन थे जो आज के बच्चों को मिलते हैं फिर कैसे इतने ऊंचे पदों पर आप पहुँच गए उन्होंने मेरे को माँ का ही बताया कि हमने देखा अपनी माँ को सुना तो ये कि सोने चांदी का बिजनेस था हमारे माता पिता का और देखा ये कि माँ झूठे बर्तन माँज रही है फटे कपड़े पहन रही है और बचा खुचा उनके घरों से जो मिल रहा है लाकर वो हमको खिला रही है पहले उसके बाद जो बचता था तो खा खाती माँ खाती थी अपने आंसू छिपा लेती थी कि मेरा व्रत है आज हाँ। उसी को मैंने लिखा आंखों में आंसू छिपाकर हंसती है मुस्कुराती है क्या क्योंकि माँ की तृप्ति उसी में हो जाती थी उसके बच्चों ने भोजन कर लिया क्या बात है आगे आपने आशीषों से दामन भरने की बात की है सुनाइए ना संतान में विजेता बनने के सपने बीजती थी वो दर्शकों तो मैंने उदाहरण आपको दे दिया वो बच्चे आज बहुत ऊंच पदों पर है और पढ़े लिखे हैं और सभ्य हैं क्योंकि वो सभ्यता माँ ने उन्हें घुट्टी में पिला दी कि समय कैसा भी हो अगर आप मेहनत करेंगे तो सूरज चमकेगा ही जी, जी। वो हाथ है जो उठने में सहारा आशीषों से दामन भर देती है वो हाथ है कि वो बताते थे कि जब भी हम छोटी छोटी परीक्षा भी पास करके आते थे स्कूल से तो माँ का जो सुहाना हाथ जो दया भरा हाथ जो आशीष भरा हाथ उनके सिर पर होता था वो तो बिना साधन के भी उनको प्रेरणा से भर जाता था हम आप भी तो अपने बचपन में ऐसे ही हुए हैं हमारे माँ बाप ने भी बहुत आशीर्वचन लुटाए हैं और आज की माए भी लुटाती रहती हैं अपने बच्चों पर जी जी चाहे बच्चे देश में रहें या विदेश में रहें जी तो उसी को मैंने लिखा है वो हाथ है जो उठने में सहारा देता आशीषों से दामन भर देती है जिगर है जो पूरे तन को अंग, अंगों को शक्ति से लबरेज कर देती है वो जिगर है जो पूरे तन के अंगों को शक्ति से लबरेज कर देती है इसका मतलब क्या है जिगर कहते हैं कवि की भाषा में जिगर दिल ही है अच्छा अच्छा लेकिन विज्ञान की भाषा में जिगर लिवर को कहते हैं हुँ, हुँ, हुँ. और विज्ञान बताता है कि जो भी भोजन हम करते हैं हुँ. अगर आपका लिवर तंदुरुस्त है अगर हुँ. आपका जिगर तंदुरुस्त है हुँ. वो उसको अच्छी तरह पचाता है जी, फिर खून बनाकर सारे में भेजता है अच्छा अच्छा तो दोनों ही रूपक को मैंने लिया है इसमें अच्छा की जैसे अच्छा। जिगर हुँ, हुँ। पूरे तन को ताकत देता है अच्छा, अच्छा। तो माँ भी तो बच्चे के हर आयाम को सींचती है ना क्या बात उसके कर्म क्षेत्र में उसे कैसे आना है उसको अपने पढ़ाई के क्षेत्र में क्या करना है जब वो लोगों से रूबरू होता है व्यवहार के क्षेत्र में कैसे आना है ऑफिस से कैसे व्यवहार करना है कभी कोई कमी पड़ जाए तो उससे कैसे उबरना है सही बात है सही बात है तो उसी को मैंने कहा जिगर है जो पूरे तन के सारे अंगों को शक्ति से लबरेज कर देती है शरीर में कितने सारे अंग हैं कितने सारे सिस्टम हैं लेकिन हरेक को शक्ति लिवर तंदुरुस्त होता है तो मिलती है इसीलिए अक्सर डॉक्टर कह देते हैं लिवर कमजोर है चलो ठीक करिए उसको जी, जी. तो जिगर और कहावत में क्या कहा जाता है जिगरा है ये काम करने का जिगरा चाहिए ये सब सहने के लिए जी तो मैंने दोनों प्रतीकों को मिलाया है जी जिगर है जो पूरे तन को अंगों को शक्ति से लबरेज कर देती है अंग कितने सारे हैं जीव शरीर में ऐसे ही जीवन में कितने सारे अंग है जी। आपको घर में व्यवहार करना है समाज में व्यवहार करना है ऑफिस में व्यवहार करना है अपने मित्रों में व्यवहार करना है संबंधियों से व्यवहार करना है कितने सारे आयाम है सही बात है सही बात और सभी में सफल होना है जी जी। अगर किसी में विफल हो भी गए हुँ, हुँ, हुँ। तो दूसरे कार्य को बढ़ाकर उसकी पूर्ति कर देनी है जी, जैसे जी। अगर एक हाथ कमजोर हो तो दूसरे हाथ उसको सहारा दे देते हैं जी, अगर पाव में कमी है तो लाठी लेकर चल लेते हैं जी, जी। उसी ने, मैंने कहा हाथ से सहारा देती है उठने में जी जी क्या बात है क्या बात है आगे मैंने कहा वो है है वो आँख है अपने सपने तेरी आँखों में देखती है क्या बात है ये आँख जो आपने कहा है अपने सपने तेरी आँखों से देखती है हर तेरी कोई, आँखों में देखती है हर हाँ अप, सपने माँ अपने बच्चों के आँखों में देखती है वो जिंदगी में जो कुछ भी नहीं कर सकी वो उसकी इच्छाएं जो है उसके बच्चे पूरी कर सके ये उसकी उम्मीद उम्मीद होती है ये इसकी इसके बारे में आपके मन में क्या भाव है अपने सपने तेरी आंखों में देखती है जी। अगर उसके अपने सपने पूरे नहीं भी हो पाए तो वो उन सपनों को तेरी आंखों में देखती है कि चलो मैं नहीं कर पाई तो मेरे बच्चे कर लेंगे जी जी क्या बात है क्या बात तो वही मैंने कहा वो आंख है जो अपने सपने तेरी आंखों में देखती है वो उससे हताश नहीं होती है कि मेरे सपने तो पूरे हुए नहीं पता नहीं इनके भी होंगे कि नहीं होंगे या अब अब तो तुम 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 बड़े हो गए हो गए तुम अपने अपने तुम देखो मैं अपने सपने पूरे करूँ ऐसा भी नहीं करती है माँ हमेशा ही त्यागमयी रहती है जी, जी जिगर है। को अपने लिए थोड़ा सा ही चाहिए बाकी वो पूरे शरीर को बांट देता है जी, जी, क्या बात है दिल को अपने लिए थोड़ा सा ही चाहिए पूरे शरीर को रक्त देता है अपने को बस उसको उतना ही चाहिए कि वो रक्त भेजने की और वापस लेने की प्रक्रिया को सही से करता रहे <laughs> तो माँ को भी अपने लिए थोड़ा सा भोजन चाहिए थोड़ा सा समय चाहिए बच्चों का थोड़ा सा धन चाहिए बाकी सब बच्चों पे लुटा देती है क्या बात है वो आंख है जो अपने सपने तेरी आंखों में देखती है जो मेरे सपने पूरे नहीं हुए तो तुम्हारे पूरे हो जाएं तेरी आंखों में देखने का अर्थ दो है या तो मेरे जो पूरे नहीं हुए मैं देखना चाहती हूँ मैं तो डॉक्टर नहीं बन पाई आप बन जाए मैं तो इंजीनियर नहीं बन पाई या मैं तो धनवान नहीं पाई बन पाई विभाजन वे वहाँ सो रहा आई या सभी तो विभाजन के मारे नहीं होंगे आजकल भी, भी तो जो माए हैं उस जमाने की भी बहुत सारी माए जो हिंदुस्तान के हिंदुस्तान में ही रही विभाजन तो मैंने एक कहानी सुनाई थी जो कि मेरे सामने घटी थी या उस माता ने मुझे सुनाई थी तो तो अपने सपने तेरी आँखों में देखने एक तो मैंने जो पूरा नहीं कर पाई दर्शकों में उस बच्चे की आंखों में देखती हूँ कि ये पूरा कर देगा अपने सपने पूरा नहीं होने से मैं हताश नहीं होती उसको अपने सपने जीने की शक्ति देती अच्छा चलो कोई बात नहीं हमारे पूरे नहीं हुए तो उससे मैं हताश नहीं हूँ अपने सपने तेरी आँखों में देने का अर्थ यह है कि तेरी आँखों में मैं उतनी शक्ति दे दूँ तेरे हाथों में तेरे मन में तेरे दिल में उतनी प्रेरणा भर दूँ कि तुम अपने सपने पूरे करो और मैं उसमें खुशी मनाऊँ उस समय भी मेरे मन में ये ना आए किसी माँ के मन में ये नहीं आता है कि मेरे सपने पूरे नहीं हुए काश मुझे भी उतने साधन मिले होते काश मेरी परिस्थितियां भी इतनी सरल होती जो आज के बच्चों की है काश मेरे को भी माँ बाप ने उतना ही प्यार दिया होता जो इनको मिला या काश मेरे घर में भी उतना धन होता किसी माँ के मन में नहीं आता है अपने से ज्यादा ही माँ हमेशा बच्चों को देती है सही बात जिसका उदाहरण मैंने शुरू में दिया कि माँ अगर भूखी होगी तब भी बच्चे को दूध पिलाएगी ये नहीं सोचेगी कि मैं क्यों ना पीऊंगी जी जी सही बात है बेशक वो जीव जंतु की माँ हो या इंसान की माँ हो सही बात गाय भी पहले बछड़े को दूध पिलाती है क्या बात है चिड़िया भी है। पहले बच्चे को दाना खिलाती है वो आँख है जो अपने सपने तेरी आंखों में देखती है वो पाव है जो थकने पर भी तुम्हें गोद में लेकर चलती है वो पाँव है पूरे शरीर को खड़ा कौन रखता है पांव रखते हैं पूरे शरीर का भार पांव के ऊपर है ना दर्शकों तो मैंने मां को यहाँ पांव माना है इसलिए नहीं कि मैंने उसको हीन भावना से देखा है या किसी को देखने दूंगी माँ वो संबल है जिसके ऊपर पूरा मानव खड़ा है अगर पैरों में ताकत ना हो तो क्या खड़े रह सकता है कोई थी, थी। तो यही मैंने कहा वो पाँव है जो थकने पर भी स्वयं थकी होगी ये तुमको गोद में लेकर चलती है ऐसे ही वो पांव तुम्हारे थक भी जाते हैं अगर तब भी तुम्हारा भार तो उठाकर चलते हैं सही बात है तो जीवन में भी क्या है बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी आएंगी जो आपको थका देंगी लेकिन हिलना मत तुम्हारे जो मन की पाव है उतनी शक्ति माँ ने उसमें भर दी है तुम्हें कभी गिरने नहीं देंगे अपनी गोदी में उठा लेंगे प्रेरणा बनकर क्या उस समय माँ को याद कर लेना तो वो प्रेरणा आपके मन में जीवंत हो जाएगी और आपको हिला भले दे गिरने नहीं देगी क्या बात है आगे के छंद में आपने धरती माँ की बात की है लेकिन माँ के बारे में दरअसल जितना कहा जाए उतना कम है और माँ के जितने रूप देखे जाए उतने कम है तो अगली बार जब हम मिलेंगे तो उस छंद के बारे में हम बात करेंगे फिलहाल जी जरूर फिलहाल वही आपने जो माँ का प्यार दर्शाया है वो हमारे दिल को छू गया है और वो हमारे दिल में वही बरसते रहेगा आपके शब्दों से तो सीता जी इतनी प्यारी बातें आपने हमें बताई माँ के बारे में इतनी सुंदर बातचीत की आपका बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद आपका दर्शों को अभी तो अपनी माँ को सब इतना ही प्यार करते होंगे मैं जानती हूँ और माएँ भी आपके ऊपर इतना ही आशीर्वाद लुटाती होंगी हर माँ का यही कर्म है हर माँ की यही भाव है सारी माए दाता ही होती हैं। धन्यवाद दोस्तों कवि और उसकी कृति कार्यक्रम में आज हमने बातचीत की माता के ऊपर सीता गुप्ता जी की कविता वंदे मातरम ये कविता हमने सुनी दरअसल एक माँ सचमुच दाता होती है और ईश्वर ने निर्माण की हुई एक बहुत ही सुंदर कृति होती है ईश्वर हर जगह पहुंच नहीं सकता तो वो माँ को भेज देता है अपने हर बच्चे का ख्याल रखने के लिए माता के ऊपर जितनी बातचीत की जाए उतनी कम है सीता जी की कविता के आगे के दो छंद हैं वो हम अगले एपिसोड में सुनेंगे तब तक बने रहिए नमस्कार